सो गाइस, आपकी YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रही और आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाता है और आपकी चैनल पे व्यूज़ भी नहीं मिल जाता और चैनल ग्रो नहीं होती है, तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आज मैं जो चीज़ बताऊँगा वो आपके लिए बताऊँगा। जैसे कि आपकी चैनल ग्रो नहीं हो पाती है, चैनल पर व्यूज़ नहीं आता, सब्सक्राइबर नहीं आता है, तो वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद आपका सब कुछ, जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है और आपका क्या करना है, वो सब इस वीडियो में पता चलने वाला है आप लोग को। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको बता दो कि आप हमेशा के लिए वीडियो अपलोड करते हो, जैसे कि YouTube के बारे में या तो फिर कोई एप्लीकेशन के बारे में बताते हो, लेकिन वो सब आपकी बात बराबर है, सही बात है, आप जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहेगा वो चीज़ में आप वीडियो बनाते रहेगा, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन आपको करना क्या, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है और क्या करना है, वो सब वो चीज़ बताता हूँ। तो गाइस, मेरी बात करूँ तो स्टार्टिंग टाइम में कुछ मेरे को भी कुछ ऐसा व्यूज़ नहीं अच्छा खासा मिल रहा था और सब्सक्राइबर भी नहीं और इतना बढ़ रहा था। और दूसरी बात करूँ तो जैसे कि मेरा कुछ चैनल भी जल्दी मोनेटाइज नहीं हुआ था, और ये सब चीज़ को मैंने अपनाया तभी मेरे चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर अच्छा खासा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आप लाइक, आप मान लो कि आप किसी के भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लाइक उसका अपडेट आ गया, मान लो कि यूट्यूब का अपडेट आ गया, तो फिर यूट्यूब स्टूडियो का अपडेट आ गया और प्ले स्टोर में अपडेट आ गया और एप्लीकेशन में अपडेट आ गया। तो वैसे भी जो मेन वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी यूट्यूब पे या तो फिर कोई भी एप्लीकेशन पे अपडेट आता है तो गाइस मान लो कोई ना कोई चीज़ इसमें से हट जाती है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अभी लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन हट गया वाई टी स्टूडियो में, तो लाइक अभी आप उसके ऊपर वीडियो बनाता तो अच्छा खासा आपको व्यूज़ मिल जाता। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब में अभी ऐसा बहुत सारा फीचर था, जैसे कि एक्सप्लोर मान लो ट्रेंडिंग का ऑप्शन हट गया था, तो उसके ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हो कि इधर आपको मिल जाएगा, अभी तो वही इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और आई बटन का भी अभी मैंने वीडियो बनाया, देख सकते हो, जैसे कि आई बटन का ऑप्शन हट गया था कि कहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो गाइस, इसमें अपडेट तो आता ही रहेगा और आप प्ले स्टोर पे जाके अपडेट चेक भी कर सकते हो, तो गाइस उसी तरीके से आप अपडेट को ढूंढते रहो और गाइस उसमें अपडेट के बाद क्या फीचर हो जाता है, जैसे कि लाइक मोबाइल में भी अपडेट आ जाता है और उसके बाद क्या चेंज हो जाता है, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे चली जाती है, उसके बारे में वीडियो बनाओ, 110% बता रहा हूँ कि आपके चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आने लगेगा। टकाटक ऐप वो सब ऐप है, उसके बारे में भी आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन उसके अपडेट के बाद क्या क्या फीचर चला जाता है, और बहुत सारी गेम भी ऐसी है और गेम में भी अपडेट आने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ फीचर चेंज वगैरह हो जाता है, तो उसके बारे में आप वीडियो बनाओ, 110% व्यूज़ आ जाएगा और आपका सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना, मेरी वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को